नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और आप देख रहे हैं वारदात। चोरी, वो भी पुलिस की आंखों के सामने। क्या ऐसा भी कभी मुमकिन है? आप कहेंगे ऐसा तभी मुमकिन है जब पुलिस चोरों से मिली हुई हो। लेकिन आज हम आपको जो वाकया दिखाने जा रहे हैं उसमें पुलिस के चोरों से मिले होने जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी चोरी होती है, पुलिस की आंखों के सामने होती है। आखिर कैसे होता है सब, देखेंगे तो चौंक जाएंगे। सीसीटीवी में कैद चोरी की तस्वीरें आपने कई बार देखी होंगी। आपने कई बार चोरों को कैमरों से बचने की जुगत करते भी देखा हो। लेकिन क्या कभी ऐसी चोरी देखी है जब चोरी हो रही हो और पुलिस मौके पर पहुंच जाए? यकीनन आप कहेंगे कि अगर कभी ऐसा हुआ तो भी चोर या तो मौका वारदात से भाग जाएंगे या फिर मौके पर ही पकड़ लिए जाएंगे। लेकिन यहां मामला बिल्कुल अलग है। ये वाकया है दिल्ली के नजफगढ़ का। तारीख 18 नवंबर 2014। वक्त सुबह के करीब 4:40। सर्दी की सुबह में अभी सूरज का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। चारों ओर सन्नाटा है और रोड लाइट्स जल रही हैं। तभी अचानक शॉल ओढ़े 5-6 महिलाएं बाजार की इस गली में नजर आती हैं। चूंकि तमाम लोग नींद में हैं, इन महिलाओं पर निगाह रखने के लिए इस सीसीटीवी कैमरे के अलावा फिलहाल यहां कोई भी नहीं। ऐसे में किसी को इनके इरादे से वाकिफ होने का सवाल भी नहीं उठता। ये महिलाएं कुछ दूर चलती हैं और फिर एक दुकान के सामने बैठ जाती हैं। इसके बाद वे बड़े ही शातिर तरीके से इस दुकान का शटर तोड़ने की कोशिश करती हैं। लेकिन सरसरी तौर पर देखकर उनकी इस कोशिश का अंदाजा लगाना मुश्किल है। शटर आसानी से नहीं टूटता, लिहाजा ये अपना प्लान बदल देती हैं और अगली दुकान की तरफ बढ़ जाती हैं। लेकिन इसके बाद ये महिलाएं जो तरीका चुनती हैं वो बेहद अजीब है। 3-4 महिलाएं दुकान की ओर पीठ करके अपने शॉल फैलाकर खड़ी हो जाती हैं, ताकि इनकी ओट में दुकान में दाखिल हुआ जा सके। तुरंत ही शॉल फैलाकर खड़ी इन महिलाओं के पीछे से बाकी औरतें इस गैंग की सबसे छोटी लड़की यानी तकरीबन 10 साल की एक बच्ची को शटर के नीचे से दुकान के अंदर घुसाने में कामयाब हो जाती हैं। ये सब कुछ पलक झपकते हो जाता है और बाहर खड़ी तमाम औरतें फिर से अपनी अपनी शॉल ओढ़कर कुछ ऐसे खड़ी हो जाती हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब इस गैंग की एक लड़की दुकान के अंदर दाखिल हो चुकी है और बाहर तमाम औरतें पहरा लगाए खड़ी हैं, ताकि किसी के आ धमकने पर उसे गुमराह कर आसानी से चलता किया जा सके। दुकान के अंदर की तस्वीरें तो कहीं और भी ज्यादा चौंकाने वाली हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आपको इस दुकान के अंदर की ये चोरी बिल्कुल लाइव दिखाएं, आपको बाहर की वो तस्वीरें दिखाते हैं जो अंदर के मंजर से भी कहीं ज्यादा अजीब हैं। अभी अंदर चोरी चल रही है, बाहर औरतों को अचानक पुलिस की सायरन सुनाई देती है, लिहाजा पूरा का पूरा गैंग सकते में आ जाता है और फौरन सभी की सभी महिलाएं पास खड़ी कार की ओट में छिपने की कोशिश करती हैं। लेकिन तभी इस मामले का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। इससे पहले कि ये महिलाएं छुपने में कामयाब होती, एक बाइक पर पेट्रोलिंग करते पुलिस के 2 जवान मौके पर आ पहुंचते हैं। अब पुलिस के सामने चोरियों का पूरा गैंग मौजूद है। यहां तक कि इस गैंग के पीछे इन्हीं की एक लड़की पास की दुकान में चोरी कर रही है। पुलिस वालों को इनके यहां होने पर पहले तो शक होता है, वो रुककर औरतों से पूछताछ भी करते हैं। लेकिन अगले ही पल जो कुछ होता है वो सबसे चौंकाने वाला है। जाने ये औरतें इन पुलिस वालों को कौन सी घुट्टी पिलाती हैं कि अगले ही मिनट पुलिस वाले बड़े आराम से वहां से निकल जाते हैं। तो क्या ये इस कहानी का दी एंड है? नहीं, अंदर की बात अभी बाकी है। पुलिस के सामने चोरी की वारदात हो जाए, ये सुनना वाकई में अजीब लगता है।
लेकिन यहाँ न सिर्फ पुलिस की मौजूदगी में चोरी होती है बल्कि पुलिस चोरियों से दरियाफ्त भी करती है और बात भी करती है बावजूद इसके चोरी हो जाती है। सरसरी निगाह में अगर एक बार देखा जाए तो हो सकता है ये वारदात दिल्ली पुलिस के लिए बहुत बड़ी ना हो, लेकिन इस वारदात के पीछे की कहानी आप जानेंगे तो यकीनन दिल्ली पुलिस की स्मार्टनेस पर सवाल उठना तो लाजमी हो जाएगा। कैमरामैन प्रशांत राय के साथ विशाल प्रताप सिंह, दिल्ली आज तक।